मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट। ये है आपका अपना YouTube चैनल मैंगो मैन। तो दोस्तों फाइनली एक और रिएक्शन वीडियो लेके आ गया हूं। मेरी वाइफ थोड़े सा बिजी है तो इसीलिए वो साथ में नहीं आए, पर जो नेक्स्ट वीडियो हम शूट करेंगे वो मेरी वाइफ के साथ मैं रिएक्शन करूंगा। तो जिस वीडियो पे हम रिएक्शन करने वाले वो है दारू विद डैड, हर्ष बेनीवाल का है, वो भी पार्ट टू है ये, दारू विद डैड पार्ट टू। तो पार्ट वन मैंने देखा है पर पार्ट वन पे मैं रिएक्शन कर नहीं पाया क्योंकि उस टाइम पे मैं यहाँ पे था नहीं, पर अब पार्ट टू आ गया तो पार्ट टू पे तो रिएक्शन बनता ही है। वैसे पार्ट वन जो था बहुत ही जबरदस्त, बहुत मजा आया, पर जिस तरीके से उन्होंने जो स्टोरी को मतलब प्रेजेंट किया, जिस तरीके से स्टोरी लिखी और आखिरी सेकेंड तक मतलब ऑडियंस को इंगेज करके रखा, वो मुझे काफी बेहतरीन लगा। तो मैं वैसे ही उम्मीद कर रहा हूँ कि इस पार्ट टू में भी होगा। और इसमें पार्ट टू ये इन्होंने इसलिए बनाया है क्योंकि फर्स्ट पे बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स आया था, तो फर्स्ट पे इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स आया तो पार्ट टू बनाया तो पार्ट टू तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होना चाहिए। चलिए इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं रिएक्शन शुरू करता हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बड़ी बेतुकी बात है ना, मुझे भी लगती थी जनवरी 2020 तक। जनवरी की एक सर्द रात में दादी को तीन पत्ती खेलने की ऐसी गर्मी चढ़ी कि दादी अपना एफडी, जेवर, प्लॉट सब लुटा आई। दादी को घर से लाख ताने सुनने को मिले, पर दादी ने तो ठान लिया था कि उन्हें मोहल्ले का डैन बिल्जेरियन बनना ही है। पर जुआ जेई का पेपर थोड़ी है कि ठान लिया तो एक दिन निकल ही जाएगा, ये तो किस्मत का खेल है। और दादी की किस्मत आए दिन उनको पटकनी दे रही थी। बड़ी मादरचोद होती है ये किस्मत, पर उसकी एक अच्छी बात होती है कि वो पलटती है। दादी की भी पलटी बिल्कुल, और लाख हार के बाद उस एक जीत ने गुप्ता खानदान को द गुप्ताज और गुप्ता निवास को गुप्ता विला बना दिया। क्या बात, बस तब से ही दादी क्राइम मास्टर गोगो बन गई। बाहर जाती है तो कुछ ना कुछ लेके ही आती है। अब तो मानते हो ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। कदम बड़ी, ये पैसों की गर्मी ना बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी तेरी, मैं बता रहा हूँ तेरे को। तेरे को मैं जो कीड़े चिट्टे तेरे को तुम्हारी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। लग तो रहा है साले तिल चिट्टे। तिल चिट्टा, मैं तिल चिट्टा दिखता हूँ तेरे को। भाई साहब इधर आओ, मैं आपको तिल चिट्टा दिखता हूँ। तिल चिट्टा बोल रहा है भाई साहब, तिल चिट्टे लग रहे हो आप। कौन बोल रहा है बताओ, कौन बोल रहा है? पिस्सू लग रहा है, भगवान का तो पिस्सू लग रहा है यार। चल चल इधर यहाँ से। बहुत बढ़िया, पिस्सू भी लग रहा था, मैं कहने वाला था। कदमड़ी, हमने तेरी दुकान से फर्नीचर लिया था और वो दो दिन में खराब हो गया, मेरे को रिफंड चाहिए सारा। और रिफंड तो नहीं है, उसे मिलती जुलती चीज़ तेरे को दूँ, आजा आजा। बंद कर। अगर तेरे को मारा कर कूड़ेदान दिखता है तो तू अपने कूड़े जैसे शक्ल लेके रोज रोज क्यों आ जाते है? ओए मेरे को कोई शौक नहीं है कूड़े आने का, वो तो मैं बेबी को मेरा भाभी को छोड़ने आया था। आ जाओ आ जाओ भाभी। कल मुए तू क्या करने गई थी इसके साथ, कहाँ गई थी? गुस्सा क्यों हो रहे हो, मूवी तो देखने गई थी। क्या बात है, खुल्लम खुल्ला। कौन से पिक्चर देख के आए? जिस्म 3। अबे पागल बना रहे, चल वो तो बनी नहीं अभी तक। हाँ तो बना के ही आए अभी हैं। चलो बेबी चलो, मैं निकलता हूँ, बहुत बदबू आ रही है कूड़ेदान में। बाय, लव यू, क्या लगना। बाय। तूने आज तक मेरे भाई करे ऐसे करे, तूने मेरे दोस्त के मुख, चल अंदर अंदर चल तू। अरे गुब्बारे वाले, चल जाओ यहाँ से, चल आ रही बन दू, आ रही बन तेरी। हट 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 हट। मिला शुक्रिया माँ, तेरी वजह से जो मैं डिजर्व करता था आज फाइनली मेरे पास है। डिजर्व करता था, मुझे माफ करना ओम साई राम, तुझसे पहले लूंगा अपनी मम्मी का नाम। सही बात। हाँ जूली, हाँ हेलो, हाँ
सर वो शर्मा जी का सोफा सेट डिलीवर करवा दिया है, और कुछ देना है? हाँ वो एक पप्पी मिल जाती तो मजा आ जाता है। पप्पी पप्पी आलू वाले है ना, कैंट वाले, हाँ उनके इधर एक टेबल भिजवानी है। ओ स्मार्ट गाय। हाँ मैं 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 दो दो मिनट में करता हूँ कॉल, कस्टमर आया हुआ है। चौका करता हूँ करता हूँ। आज की पारी बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए तैयार है। लगता है आज बॉल की बल्ले बल्ले करने के इरादे से उतरे हैं, और ये ऑफ में गेंद बल्लेबाज ने पैर आगे बढ़ा के उड़ा दिया है गेंद को हवा में। ओहो गेंद के पंचर ढीले लग रहे हैं यहाँ तो। हराम जादे दरिया जो तू पूरे दिन पीछा रहता यहाँ पे, क्या कर रहा था फोन में? पापा यार मैच के हाईलाइट ही तो देख रहा था, क्या हो गया? हाँ बहुत बढ़िया, पूरे दिन बेटा हाईलाइट देख, जो तेरा फ्यूचर ब्राइट करने के लिए कोचिंग में पैसा फूंक रहा हूँ ना, वहां मत जाइए बिल्कुल भी। पापा बेकार का कोचिंग है वो यार, कुछ समझ ही नहीं आता, घुसता ही नहीं है कुछ। और नहीं घुसता तो थूक लगा लेना। ये मेरे 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 सामने अगर मगर इधर उधर मत कर, चुपचाप जा पढ़ने चल। राम जादा जा रहा हूँ पापा, जल्दी निकलना। कुंडू की मम्मी, कुंडू की मम्मी जल्दी आ, कुंडू की मम्मी। पापा क्यों चिल्ला रहे हो यार, मम्मी दादी बाहर गई है किटी पार्टी में, और रात तक आएंगी वो। क्या बात कर रहा? हाँ और मैं भी जा रहा हूँ। कुंदन कुंदन सुनना, आज रुक जा, आज ना अपन लोग बैठ के मैच देखते हैं, क्या बोलता है? नहीं 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 पापा, पिछली बार बहुत उल्टी हो गई थी, इस बार नहीं। सुनना भाई एक दिन की बात है। नहीं पापा नहीं, मैं नहीं नहीं, अरे भाई नहीं, अरे सुनना नहीं पापा नहीं। आज खुशियां टेढ़ी भंडी हो गई भाई, क्यों पुत दिया हुंदियां ने यारियां, आजा बप्पू पाई भंगड़े। दादू डैड टू केड़े, अगला ऑन द रॉक्स बनेगी, ऑन द रॉक्स आज तेरा भाई मछली बना है। क्या बात है, पूरी कटक जाएगा। सही है कटपेल, तेरे को ही लगता आजकल की औलादे बहुत ज्यादा नाजायज फायदा उठाती है अपने बाप का फ्रैंक होने का, है और गात भूल जाती है अपनी। बाप भी कम कचरे थोड़ी है केडी, बच्चों से यारी दोस्ती नहीं बढ़ाएंगे तो सिनेमा हॉल में कितने पॉपकॉर्न खाए और कितने रजिंदर की बीवी की गोद में गिराए, इसका सारा चिट्ठा मम्मी तक नहीं पहुंच जाएगा। I'm kidding. तू भी ना कंडपैल है। टाइट हाँ, बस 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 बस। सो पैल, how's your girlfriend? गर्लफ्रेंड कैसी है तुम्हारी? ब्रेकअप हो गया यार हमारा। हैं? नहीं सच्ची कैसे? कुछ नहीं, एक दिन कहती आई हैव अ न्यू BF। तो पेनड्राइव दी तो इधर को बनवा ले उसमें। केडी BF बॉयफ्रेंड। अच्छा बस उसके बाद से ऐसी घूम रहा हूँ, और जल्दी मैं किसी के दिल का फिर से चोर बनने वाला हूँ। नॉटी बॉय है। वैसे केडी तुमने कोई फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया? हाँ। तो कैसा चल रहा है सब, लाइक कंपनी की प्रॉफिट प्रोडक्टिविटी कैसा? ओ यार वो सब नहीं पता, पर तेरे भाई ने असिस्टेंट ना दूध मलाई शक्कर वाली रखी है बिल्कुल। ठहर केडी, तुम नहीं बदलोगे यार कभी? तो नहीं यार बदलना है यार, वो क्या है ना कि असिस्टेंट ना 5G के जमाने की है, और मेरी 2G की बातों से ना फ्रेंडशिप नहीं हो पा रही। अब कंडपेल यू नो दैट बिजनेस में कलीग के बीच में फ्रेंडशिप होना कितना जरूरी है, पता ही हुआ तेरे को है? बिल्कुल। तो 5G बना दे यार, है अपने बाप को 5G बना दे प्लीज, बना दे 5G बना दे प्लीज है मेरे भाई। कम ऑन केडी यार, मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, सॉरी ब्रो बट मैं तुम्हें 5G नहीं बना सकता क्योंकि तुम में वो नहीं है। हाँ तो मुझे वो दे दे। यार वो नमक हल्दी थोड़ी है कि दुकान से लाया और दे दिया, वो अंदर से आता है। कहाँ से आता है? अंदर से। अंदर से, और वो लाने के लिए तुम्हें बनना पड़ेगा डोंट, फुल क्रीम की डोंट। स्टैंड अप कर लो। सॉरी नहीं 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 सॉरी कंटपेल ब्रो, मेरे भाई मेरे यार मेरे जिगरी सॉरी, पर उसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए तुमसे। ओ तेरे को जो चाहिए तू बोल यार। ये नहीं चाहिए यार, केडी बहुत बेशरम हो गए हो तुम। सही बात। सॉरी कंटपेल सॉरी, तू बता तुझे क्या चाहिए, बता क्या चाहिए।
चिल, मैं टाइम आने पे बता दूंगा। ठीक है। सो केडी, हाँ, यू लॉस्ट वन पॉइंट। क्या यार डूड, लोग एक बारी में नहीं सुनते किसी की। एटीट्यूड मेंटेन करो। क्या करो? एटीट्यूड। 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 तो केडी, डूड ग्रंथ का पहला अध्याय शुरू करते हैं। कपड़े बदलो, दुनिया बदलो। हैं? कपड़े क्यों बदलो? इतने बड़े तो कपड़े हैं। ये देख, अरमानी की फर्स्ट कॉपी जीन्स, चूची की शर्ट, गुची, गुची होता है केडी, गुची। नहीं नहीं, ये चूची की है, चूची चौधरी की दुकान से ली है। गुची हो या चूची, ये नहीं पहनना, क्योंकि चेक्स कदंबड़ी पहनते हैं। केडी वेयर समथिंग दैट चेक्स चेक्स हिम। क्योंकि केडी क्या है? डूड। क्या है केडी? क्या है? डूड। ऐसी कौन सी लॉटरी लगी है? कंपनी खोल ली, घर बना लिया। भाई ऐसे बनेगा नहीं। फैमिली बचाई क्या? That's it, KD. Hot as fuck. Yo, yo. फ्लोर तो चमका दिया। अब पेरिस की बारी। मतलब? जल वेल लग रहे हैं बालों में। ये कैसी हेयर स्टाइल बना रहा भाई? ये लगता पोपड़ बना रहा उसका। ओ हरामजादे, ये क्या लगा के गए मेरे बालों पे? अरे पापा वैक्स है यार, खड़े करने के लिए लगाते हैं। खड़े करने के लिए? ये क्या कर रहे हो तुम? अरे यार, तूने कहा खड़े करने के लिए और पुत्तन डॉक्टर की गोली काम नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा यही लगा लूं। केडी, ये बाल पे काम आती है, खाल पे नहीं। और लगता है तुम्हारा दूसरा अध्याय शुरू करना ही पड़ेगा, और तुम्हारे केस में सबसे ज्यादा जरूरी है वो। मैनर्स मेक अ मैन परफेक्ट। So KD, tell me, दुनिया को कदमों में लाने के लिए क्या चाहिए? ओए ओए ओए, मेरे को पता है इसका। रजनीगंधा। तू मेरा रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। ओ गुप्ता पान भंडार। क्या मतलब यार? कुछ भी, इट्स मैनर्स एंड एटिकेट्स। अच्छे एटिकेट्स के साथ एक डूड को किसी को इंप्रेस करना इज लाइक अ पीनट टास्क। अच्छा, सो लेट्स लर्न ड्रिंकिंग एटिकेट्स। अच्छा, फर्ज करो केडी की मैं एक 5G लड़की। अच्छा ठीक है, तुम मुझे ड्रिंक्स पे लेके आए हो, तो तुम सबसे पहले क्या बोलोगे? ओए दारू मैं लाया हूं, चकने के पैसे तू देगी, मैं हिसाब का पक्का हूं। हाँ, जाते ही दिखा देना कि फकीरों के खानदान से हो। हराम जाते। दूर बनना है कि नहीं बनना है? बनना है दूर। पता पता क्या करूं? बनना है, बनना है। पता क्या करूं? तारीफ करो केडी, तारीफ। आजकल की जो 5G लड़कियां है ना, इनको खाने से ज्यादा तारीफ पचती है, तो करो। ए गर्ल, यू आर सेक्सी एज फक। बहुत सही केडी, बहुत सही। So KD, next step पर चलते हैं। निकालो। हाँ निकला पड़ा है। छी यार, तुम नंगे बैठे हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? तो क्या हो गया? मैंने भी तेरे को इतनी बार नंगा देखा है, अब तू मेरे को नंगा नहीं देखेगा तो अनफेयर हो जाएगा ना। और कंड ब्रो, दोस्ती में सब कुछ फेयर होना चाहिए, सब कुछ। एनीवेज, मैं ड्रिंक्स की बात कर रहा था, वो निकालो। Cheers मेरे भाई। What is this KD? डूड लोग चिक्स के साथ ये घोड़े का मूत नहीं पीते। थोड़ी रॉयल्टी लाओ यार, रॉयल बनो, वाइन पियो। ये लो, फाइनली क्राफ्टेड बीबी की वाइन। ओ यार, ये तो बड़ी मस्त है। एंड केडी अटेंशन,
इसको अपने 70 वाले बियर की तरह नहीं पीना, इसको ऐसे ग्लास में डाल के भाई वाइट वाइन धीरे धीरे वाली इस मोमेंट को जियो, और ऐसे जियो कि जियो का मालिक भी बोले पानी कि इसमें किस बात का एटीट्यूड है और फिर सीधा गटक जाऊं। दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग माय बॉय, गटकना नहीं है, एक सिप लेनी है फिर हिलाना है। ओ नहीं यार, अभी सुबह ही हिला के आया हूँ और बार बार हिलाऊंगा ना तो कमजोरी आ जाएगी, वरना जब तेरी उम्र का था ना 5 राउंड से नीचे बात नहीं करता था तेरा भाई। मान लिया YouTube का ओवरयूज जोक, वैसे मैं ग्लास की बात कर रहा था, ठीक है? ओ ग्लास, सही है आगे आगे आगे, बड़ी बड़ी जल्दी हो रही है नटखट को, जल्दी हो रही है नटी। सो किसी लड़की को लेके जा रहे हो तो गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। तो तुम्हारी सेक्रेटरी को क्या पसंद है? यार ये, अरे कुछ तो होगा जो स्टोर में वो ऑब्जर्व करती होगी, पसंद करती होगी। ओ यार ऐसे देखा जाए तो उसे चटाई बड़ी पसंद है। क्या चटाई? ओ हरामजादे चटाई, दरी वाली चटाई, पूरे दिन दुकान में चटाई वाले सेक्शन में बावरे बन के घूमती रहती है। बाकी दूसरी वाली चटाई पसंद है नहीं पसंद वो भी पता लगा लूंगा। नाइस, सो सॉर्टेड है फिर। एक कस्टमाइज चटाई लो जिसपे गोल्डन कलर में उसका नाम लिखा हो। हाँ बहुत सही कह रहा है, उसके साइड में ना एक छोटा हार्ट भी बना देंगे ऐसे। ओ ये तो गोटे बन गए, ऐसे। हाँ बिल्कुल ऐसे। और कुछ तो नहीं करना ना? नहीं मेरे को नहीं लगता और कुछ है बाकी। हाँ याद से टिंडर डाउनलोड कर लेना। वो क्या होता है? तुम्हें टिंडर नहीं पता? तुम्हें टिंडर नहीं पता? अबे नहीं पता तभी तो पूछ रहा है। इस आदमी को डूड़ बनना है, इसको टिंडर नहीं पता? पहले जाके टिंडर के टिंडे पकाओ फिर मेरे से बात करना। पागल आदमी, टिंडर नहीं पता इनको, पता नहीं किन गरीबों के घर में पैदा हुआ। ओए गुंडा, गुंड गुंडबैल, ओ मेरे को दिख नहीं रहा ब्रो। भाई गुंडन गुंडन गंड भाई क्या लगा? गंड भाई यार तुम तो कहते टिंडर पे मैच होती है, बातें होती है, यहाँ तो सूखा पड़ा है। 1 घंटा हो गया कि मैच आया है, वो भी तेरी दादी का। क्या? अरे पापा दादी से क्यों कर लिया मैच? मैच उनसे करते जिनको आप लाइक करते हो। हाँ तो मैं बहुत लाइक करता हूँ तेरी दादी को, मैं तो लव भी करता हूँ। तुझे सब है पता मेरी माँ। पापा वो वाला लाइक नहीं, और दादी क्या कर रही है टिंडर पे? आराम ज्यादा, टिंडर तेरे बाप का, मेरी माँ कहीं भी जा सकती है, इंडिपेंडेंट वुमेन। पापा टिंडर हुकअप्स के लिए होता है, हुकअप्स। आ तो क्या हो गया, बेचारी बूढ़ी औरत घर में अकेला फील करती होगी, कर लेगी एक आध हुकअप, तेरी जान में क्या आग लग रही है। पापा हुकअप का मतलब होता है ये, क्या बोलूं, खानदानी पागल है मेरा, क्या ही बोलूं। अबे यार इसने फिर भेज दिया ये। क्या हुआ ब्रो? अरे असिस्टेंट है ना मेरे ऑफिस वाली, वो ऑफिस के ग्रुप में ना मम्मी भेजती रहती है। क्या? हाँ और पता नहीं लोग इसके मम्मे देख के हंसते क्यों रहते हैं, ऐसा क्या है इसके मम्मे में? केडी यू आर स्केयरिंग मी नाउ, एक बार दिखाना क्या है। मीम्स मीम होता है ये, मीम बोल रहा हूं। अरे मीम मम्मे की बात है यार। नहीं एक बात नहीं है, गोटे और गोटियों में फर्क होता है। और वैसे भी ये मीम कल्चर से तो तुम्हारा काम और आसान हो गया। कैसे कैसे कैसे? कुछ नहीं केडी, तुम्हें उसके आगे बस फनी साउंड करना है, क्योंकि डूड जो है फनी वो है किस्मत का धनी। कंड ब्रो तू ना मानेगा नहीं, मैं ना बहुत बनी हूँ, जब मैं पैदा भी हुआ था ना तो डॉक्टर ने बोला था तेरी दादी को, बहन जी ये क्या मजाक कर दिया। केडी तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना तुम बूंदी हो और डूड है दही, जितना आसपास जा रहे हो उतना रायता फैलता जा रहा है। मैंने ही अपना टाइम वेस्ट किया। कंड भाई, कंड ब्रो, कंड मेरे दोस्त, भाई तू तो ना टेंशन मत ले, मैं ना बूंदी बूंदी से मलाई पनीर बन के दिखाऊंगा, तू ऐसे मेरा साथ मत छोड़ना है मेरे दोस्त, मेरे यार। ठीक है पर ऐसे थोड़ी बनते मलाई पनीर, गो एंड एक्सपेंड, एक्सप्लोर योर पर्सनैलिटी, बन जाओ डूड जगत के मोहम्मद अली और एक पंच में नॉकआउट कर दो सबको। केडी हाँ? केडी हाँ? टाइगर है तू, टाइगर रोर रोर रोर। ये तो टाइगर है, कम गाय ज्यादा लग रही। कंड ब्रो डीजे बजने वाला लगता है।
वॉल्यूम वन भैया कंधे डूड ने बटाई सारी नारी तेरी कैंडी ने भी करी है तैयारी तुझे डूड में बन के दिखाऊं ये ना बनाता मैं केडी ना खिलाऊं कंधे डूड ने बटाई सारी नारी तेरे केडी ने भी करी है तैयारी तुझे डूड में बन के दिखाऊं ये ना बने ते मैं केडी ना खिलाऊं आजा तुझे बैट से मारूं मेरे डर से मटर थोड़ी पीले दारू दो मिनट में मोर बना दूं डाल के झाड़ू ठेके से दारू और सोडा लेके मुंह पे मारूं एक चाटे में कर दूं तेरी गुद्दी खराब 500 लेके 200 वापस का है हिसाब तेरी बाप तेरी दादी का कोई नहीं इलाज मेरी बातें कर इग्नोर साले तू भी साथ में नाच आ जा कहंदे डूड ने पटाई सारी नारी तेरी केडी ने भी करी है तैयारी तुझे डूड में बन के दिखाऊं केडी यू आर मलाई पनीर नाउ यू आर डूड माय बॉय नाउ यू आर डूड माय बॉय अच्छा सुनो मुझे कुछ बताना था तुम्हें ना डूड लोग किसी नहीं सुनते पागियो हाँ बट मुझे केडी को कुछ नहीं बताना मुझे अपने पापा को बताना है मुझे उनकी मदद चाहिए मदद ओए क्या हुआ तुझे बता मुझे तेरा भाई तेरा बाप जिंदा भी बता किसकी समझ आ तू अब हाँ पापा वो नहीं बस ये कहना था कि अब आप सिर्फ पापा नहीं रहे हाँ डूड बन गया हो ना कंड भाई है क्या हाँ बट कैसे बताऊं अब आप दादा बन चुके हो दादा बन गया मैं दादा बन गया ओए कांग्रेचुलेशन ओए मैं दादा बन गया बहुत बहुत मुबारक भाई तेरे को भी दादा बन गया मैं दादा बन मैं दादा बन गया हाँ तू बाप बन गया हाँ मैं दादा बन गया हाँ राम यादे ट्रैकसूट में कौन बेल पहनता है राम जादे नहीं 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 पापा नहीं 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 पापा आपने कहा था सपोर्टिव रहोगे यार हाँ रहूंगा ना सपोर्टिव तेरी लाश को कंधा देने में सपोर्ट दूंगा क्या कहता था जॉन्टी रोड हैं बॉल बाउंड्री के बाहर नहीं जाने दूंगा राम जादे अब बताए छक्का किसने मारा बता किसने मारा पापा पापा जॉन्टी से भी तो कभी कैच ड्रॉप हुई होगी ना राम जादे जवान लड़ेगा ओ अब समझा मैं ये जिम से आके जो तेरा ये बदन क्यों टूटता था बेंचो वहां अलग ही डंबल उठाए जा रहे हैं कौन है बता कौन है वो जिसके साथ मिलकर तूने मेरे को इस बड़ी जवानी में दादा बना दिया पापा दो मिनट में आ रही है इधर ही खुद ही देख लेना कुंडू बेबी इधर हूँ बेबी बुस के ढेर में राई का दाना रंग बिरंगा सर आप पापा जूली इसकी मूली तुझे पहर में टूटता तारा पानी पे तिरता पत्ता पारा कुंदन ये सही नहीं 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 पापा नहीं नहीं मेरे भागी सब ठीक नहीं 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटे बहुत बढ़िया तेरे को मेरा ही गोडाउन मिला था गाड़ी लगाने के लिए क्या मेरा मतलब है तेरे को शर्म नहीं आई मेरी हार्ड वर्किंग वफादार शानदार बवाल पापा तमीज से बहू है आपकी तुम खड़ी क्या हो पैर छुओ पापा के चलो गंड बैल तूने ब्रोकर तोड़ दिया आज चले जा इस घर से इससे पहले मैं तेरी टांगे तोड़ दूं ओ भाई साहब अफीम चाट के आए हो क्या ये घर दादी ने आधा मेरे नाम पे भी कर रखा है हिस्सा चाहिए मुझे हे भगवान तू ऐसी औलाद पे अगर मुझे पता होता ना ऐसी औलाद होगी तो बचपन में नसबंदी करवा लेता माँ मेरी है तो घर भी मेरा होगा पापा जैसा खानदान है ना अपना मुझे तो आप पे भी शक है कि आप दादी के लड़के हो या नहीं पहले डीएनए टेस्ट कराओ फिर बात करना तेरी बेब हाय बेटे शोर क्यों मचाया हुआ है रेप पार्टी चल रही है क्या है माँ माँ आ गई माँ 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 ये लुक्का तेरे बेटे को तेरे घर से बाहर निकाल रहा था हाय कदमड़ी मेरे को तेरे से बड़ी जरूरी बात करनी थी बेटे हाँ दादी बताओ ये घर किसके नाम पे है हाँ कदमड़ी कदमड़ी यानी मैं मेरा नाम यानी ये घर मेरे नाम पे है यस लव यू मां लव यू यस
अरे बेटे मेरी बात तो सुन लो। नहीं दादी, अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, आप भी पराए निकले। हाँ निकले निकले, अब तू भी निकल। बस इसे छोड़ दे, इसे रख लेते हैं। अरे बेटी क्यों, तो मेरी बात तो सुन लो। घर किसके, वो तो वो बताएगा ना जो इस घर का मालिक है। ओ मेरी माँ, मालिक भगवान देवी सब तू है, मेरी माँ सब तू है। अरे बेटे मैं थी 11 बजे तक थी मैं, उसके बाद देखे मैंने 3 पत्ती का एक मैच खेला, फिर बैठे बैठे थोड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई। तो कंडुए में घर हार गई। तो माँ क्या बात कर रही है तू, किससे हार गई? मुझसे, इसकी बहन की टन टना टन। इंदर चलो मैं लड़को घर खाली करो इन कपड़ों। ओए ओए किसे पूछे कुछ? अरे ओए ओए किसे किसे पूछे भाई साहब? हेलो ओए ओए मैंने मेरे कुर्सी लगा मैंने मैं बैठ लूं। हे भगवान, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। कुंदन पापा 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 नहीं, मेरे को पकड़ ले पापा। इनो फिरा संभालिए अपने आप को, हम ये सब फिर से बना लेंगे। ऑफिस है हमारे पास। हां पापा, जूली सही कह रही है, ऑफिस है हमारे पास। ऑफिस भी हार गई। हाय बेटे तेरे सर की कसम, मैं नहीं हारी ऑफिस। वो तो मैं हार गई जी, मैंने सोचा मम्मी जी 3 पत्ती में इतना जीती रही हैं, तो मैं भी खेल लेती हूँ। ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ? हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? हुआ ये था, कदमड़ी चढ़ा पहाड़ पे करके चूतर छोड़े, राजेंद्र ने मारा कदम बोला उधर बहन के लोड़े। राजेंद्र सेठ, हर कुत्ते का दिन आता है। ओ दिन आते हैं ब्रीड वाले कुत्तों का है, तुम तो गली के कुत्ते जो मरा था। ऐसा पेट बैग के मारूंगा, एक में अधमरा हो जाएगा बहन के लोड़े। और गंदी गाली जैसे। मम्मी पापा दादी चलो यहाँ से, जूली चलो। कौन जूली? जब ये घर मेरा है, ऑफिस मेरा है, तो ये असिस्टेंट भी मेरी होगी। जूली कम हियर फास्ट। ओ बुड्ढे, ये 4 इंच का पेट कचौड़ी खा के नहीं फूला है, मेरे लल्ला की अम्मा है वो। हाँ तो ये अच्छी स्कीम है ना, ये तेरे लल्ला की अम्मा है तो वो असिस्टेंट मेरी, प्लस फ्री बच्चा भी मेरा, बच्चा भी मेरा, बच्चा भी मेरा, बच्चा भी मेरा। राजेंद्र सेठ, पैसों की रोशनी ने तुमको अंधा कर दिया है, शायद तुम यह भी भूल गए कि प्यार की कोई कीमत नहीं होती। जूली, 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 उधर देखना। कोई नहीं बेटे, आगे के लिए सबक मिल गया, अगली बार में सिर्फ डैडी बनियो, पापा नहीं। अरे तुम लोग अभी तक गए नहीं यार GTFO? अरे इन गरीब लोगों को अमीरों की लैंग्वेज नहीं आती, बड़ी प्रॉब्लम है यार। Get the fuck out. Fuck out. तू क्यों रुकी तू दबा? मैं तो जीत गया। ए बढ़िया, चल चल निकल जुगनी। Yeah.
चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। सब्सक्राइब करो, बटन लाल को दबाओ, बेल आइकन भी दबा देना, घंटा होगा ऐसा टंग दबा दो उसको। और गाइस वीडियो को लाइक करना है, दबा के अंगूठा होगा ऐसे वाला, नीचे वाला नहीं ऐसे वाला, उसको दबाओ लाइक करो। और नीचे कमेंट सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करके टाइप करो, बताओ वीडियो कैसी लगी, अच्छा लगा बुरा लगा जो लगा बताओ। और गाइस इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ तो कर नहीं पाओगे वरना बहुत टूटेगी। और गाइस ये मेरा इंस्टाग्राम है, मेरे को फॉलो कर लो, है मैं अपडेट देता रहता हूँ, टीजर ट्रेलर डालता रहता हूँ। अगर तुम्हें तीसरा पार्ट चाहिए दारू डैड का तो कमेंट, अरे देरी में आएगी तो लाइक और कमेंट के रिकॉर्ड तोड़ दो, तो मैं बोल नहीं रहा कितने रिकॉर्ड टूट गए तो मैं तीसरे पार्ट पे काम चालू कर दूंगा, तुम्हारे हाथ में, ठीक है? ओके बाय, लव यू कुंदन बैंड। क्या दोस्तों, फिर ये था मेरा रिएक्शन दारू विद डैड पार्ट टू, जो कि हर्ष बेनीवाल ने अपने यूट्यूब चैनल में डाला था। तो वैसे तो मुझे बहुत नींद आ रही क्योंकि आधे घंटे का ये वीडियो था, इतना लंबा, और मुझे और मैं रात को 1 बजे शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा नींद आने लगी। पर वीडियो मेरे को अच्छा लगा, वीडियो पे जो मैंने रिएक्शन किया वो मुझे अच्छा लगा। ये वीडियो थोड़ा सा मुझे मतलब उतना अच्छा नहीं लगा एज कम्पेयर टू जो फर्स्ट वीडियो था, इसका फर्स्ट वीडियो तो लाजवाब था, पर ये सेकेंड वीडियो थोड़ा सा मतलब मेरे को ऐसा लगा कि हल्का एज कम्पेयर टू फर्स्ट वीडियो। हाँ, पर सेकेंड वीडियो में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जो बीच में एक सॉन्ग डालता है प्रॉपर रैप सॉन्ग, उसमें वो डांस जो स्टेप करता है वो तो लाजवाब ही रहते हैं हर्ष बेनीवाल के। और खासकर जो एक्टिंग है, तो एक्टिंग और जो कॉमेडी की पंच लाइन है वो परफेक्ट है, परफेक्ट सब कुछ बढ़िया था। बस थोड़ा सा मुझे स्टोरी थोड़ा सा वीक लगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट इतना बढ़िया था तो उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ गई थी मेरी, तो इसीलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था इसके लिए। मतलब अच्छा है ये, अगर कोई आदमी फर्स्ट में ही अगर पार्ट टू देखता है तो उसको बहुत बढ़िया लगेगा, और उसके बाद फर्स्ट पार्ट देखा तो तब तो वो बोलेगा बहुत ही ज़बरदस्त है। पर अगर हाँ फर्स्ट से आप फिर देख रहे हैं सेकंड, तो थोड़ा सा आपको वीक लगेगा स्टोरी लाइन, बाकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी। थोड़ा सा स्टोरी लाइन और अच्छी हो सकती थी, और थोड़ा सा पंच लाइन थोड़ा सा कम लगी मुझे, थोड़ा सा या तो थे अच्छे पर ऐसा लग रहा था कि हमने सुने सुने टाइप के लग रहे थे जो भी पंच लाइन थे कॉमेडी के। पर ओवरऑल बहुत ही बढ़िया वीडियो था, मतलब अच्छी तरीके से, थोड़ा सा स्लो थी स्टोरी लाइन को अगर छोड़ दे, बाकी एक्टिंग और जिस तरीके के उन्होंने डायलॉग्स बोले वो तो बहुत ही बढ़िया थे, तो मेरे को अच्छा लगा। तो अगर पार्ट थ्री, जैसे उसने कहा कि पार्ट थ्री पे काम करना शुरू कर दूंगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट थ्री अगर ये बनाएगा तो ओवर स्ट्रेच हो जाएगा वो, तो अब इसको छोड़ के किसी और टॉपिक पे बनाए, मैं नहीं चाहता कि पार्ट थ्री बनाए, क्योंकि ठीक है यार मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं, चलो ठीक है, पर कुछ सरप्राइजिंग सा ही एक्सपेक्ट करते हैं हम हर्ष बेनीवाल से, तो कोई डिफरेंट टॉपिक पे बनाए, थोड़ा सा सरप्राइजिंग सा लोगों को सरप्राइज कर दे, और तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो दोस्तों रिएक्शन किया है मैंने रात के 1 बजे आप लोग के लिए, थोड़ा थोड़ा नींद भी आने लगी थी। पर अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो लोग हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबाइए, ताकि आपको सारे हमारे अपकमिंग फ्यूचर वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।